Is it okay, guys? Is it okay, guys? चलिए ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन यूपीएससी चैनल पे। मैं हूँ अनुमिता मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्लास 2। उसमें हम लोग लेक इकोलॉजी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट यू नो फीचर्स हैं एंड फैक्ट्स यू नीड टू नो अबाउट योर प्रीलिम्स यूपीएससी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। बट दिस इज अबाउट मी। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम हैविंग 10 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। 5 साल का दोस्तों मुझे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन टीचिंग लॉ एंड यूपीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, इस पे आप जुड़ सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग जो भी क्लासेस के लिंक्स है वो शेयर कर देते हैं, नोट्स हैं वो शेयर कर देते हैं। एंड ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, नोट, करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करती हूँ। सो दोनों क्लास को आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग जो है कुछ करंट अफेयर्स रहता है, बट बेसिकली बैक टू बैक क्लासेस चलते हैं। एंड यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली, अनअकैडमी पे दोस्तों एक्सक्लूसिवली मेरा ये क्लास रहता है, करंट अफेयर का क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उसका भी क्लास रहता है। सो गाइस, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ना हम लोग ने पढ़ा कि जहाँ पे हैबिटेट, ये द प्लेस वेयर द एनिमल्स लिव या एग्जिस्ट, दैट इज वॉटर, पानी है। वो पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर, सी, ओशन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जहाँ पे लोग रहते हैं, लोग नहीं सॉरी, जो एनिमल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स रहते हैं, जहाँ का हैबिटेट क्या है, पानी है, दैट इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। यहाँ पे भी दोस्तों एक बहुत ही लंबा चेन ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टिल द डिकम्पोजर्स, है ना। पूरा द होल चेन इज मेंटेन। इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपको, जब आप इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो। सो गाइस, इसमें 3 प्रकार के हैं इकोसिस्टम: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम एंड ब्रैकिश इकोसिस्टम। जहाँ पे पानी बिल्कुल फ्रेश है, तरोताजा है, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पानी में मूवमेंट है। मरीन इकोसिस्टम है, समुन्दर इंक्लूड हो जाएगा, जहाँ पे पानी सॉल्टी है। हाँ, ओपन ओशंस, ये सब सी इज सॉल्टी। एंड द लास्ट इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पे रिवर वाटर एंड सी वाटर दोनों मिक्स होता है, दैट इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। फाइन, तो ये हो गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल जहां पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, टेन्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन एंड बेंथोस। देखो, तो मैं एक ब्रीफ लाइन बता दूं, टेन्यूस्टन जो बिल्कुल पानी के ऊपर में रहता है, मतलब एयर एंड वाटर के इंटरफेस पे रहता है, वो न्यूस्टन हो गया। मतलब या तो एकदम एकदम पानी के ऊपर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एकदम वहीं पे रहता है इसके, या तो एग्जैक्टली बीनीथ द लेवल वाटर, मतलब पानी के बिल्कुल नीचे एकदम। तो वो हो गया न्यूस्टन। पेरिफाइटन, जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसके स्टेम्स में, लीव्स में वो अटैच करके रहते हैं, तो दैट इज पेरिफाइटन। प्लैंकटन्स क्या है, जो हर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं एक्सेप्ट स्विफ्ट वाटर, जहाँ पे बहुत पानी स्विफ्ट है, बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है, वहां पे ये सब, वहां को छोड़ के बाकी सारे इकोसिस्टम में प्लैंकटन्स पाए जाते हैं, लाइक एल्गी एंड एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोअन्स। ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैंकटन्स। नेक्स्ट है नेक्टन्स, जो समुन्दर की रफ्तार में, समुन्दर के करंट में, स्पीड में मूव करता है, दोज आर कॉल्ड नेक्टन्स, राइट। तो जितना हाई टाइड लो टाइड होगा उसमें भी ये लोग, और ये पूरे झुंड में छोटे बड़े जितने भी ब्लू वेल से लेके दोस्तों 2 मिलीमीटर की फिश या जो ऑर्गेनिज्म है वो सब इंक्लूडेड है नेक्टन में, और मोस्टली ये जो टाइडल वाटर्स है उसमें ये पाए जाते हैं। ओके, बेंथोस, जो बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द यू नो एक्वाटिक इकोसिस्टम के बिल्कुल नीचे, समुन्दर में, पॉन्ड में, रिवर में, बिल्कुल नीचे में ऐसे करके सेटल्ड रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, दोज आर कॉल्ड बेंथोस, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ फैक्टर्स है जो लिमिट करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के हैबिटेट को, क्या है। सबसे पहली बात है कि सनलाइट, जहां पे सनलाइट दोस्तों सफिशियंट जाएगा, बहुत अच्छा सनलाइट, धूप जाएगी, वहां पे क्या होगा, इकोसिस्टम बहुत ही हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड होगा, है ना।
और जहाँ पे एकदम बिल्कुल डीप डाउन सी है, जहाँ पे कम होने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, डार्कनेस की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगा, देयर इज लेस नो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से पेड़ पौधे वहां पे नहीं पाए जाएंगे, छोटे छोटे जो समुन्दर के अंदर या पानी के अंदर जो जो पेड़ होते हैं ना, दे विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे सिर्फ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो है वो पाए, वो एग्जिस्ट करेगा, दैट विल ओनली टेक प्लेस, ठीक है। बट ऑन द अपर लेयर, जिसको हम लोग फोटिक जोन कहते हैं, फोटिक जोन में गाइज यू विल सी दैट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। फोटिक जोन मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए फोटिक जोन आप याद रखना। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो डूइंग द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन ऑन दी द लेयर जो जहां तक लाइट जो है वो पेनिट्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड फोटिक जोन। बाकी जो जोन है जहाँ पे यू नो सनलाइट पेनिट्रेशन उतनी नहीं हो पाती है, उसको अफोटिक जोन कहते हैं। फाइन, अफोटिक जोन। तो अफोटिक जोन दोस्तों जितना डीप होता जाएगा उतने पेड़ पौधे जो वो नील हो जाएंगे, एकदम जीरो हो जाएंगे, एंड ओनली द ऑर्गेनिजम्स विल। देखो ये तो यहाँ से अपना सोर्स ऑफ फूड लेते हैं और फिर नीचे के में आके रहते हैं, है ना। जैसे आपका डाइनिंग फर्स्ट फ्लोर में, आप डाइनिंग करके आप थर्ड फ्लोर पे रह सकते हो, इन द सेम वे ये अपना फूड सोर्स यहीं पे है, इन सब का यहीं से कंज्यूम करते हैं। एंड देन दे मूव ऑन टू दी गुड मॉर्निंग श्रीराम, एंड देन दे मूव ऑन टू दी डेप्थ ऑफ द वॉटर। अलग अलग डेप्थ में ये एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज एक ही जगह पे कितना रहेंगे, तो फिर यू नो फ्री मूवमेंट भी उनका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये अफोटिक एंड फोटिक जोन में डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट। जहां तक दोस्तों धूप पाया जाएगा, धूप की पेनिट्रेशन होगी, दैट इज फोटिक जोन, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। जहां पे धूप की पेनिट्रेशन नहीं होगी, दैट विल बी कॉल्ड अफोटिक जोन, एंड देयर वोंट बी एनी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, ओनली रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। ये बातें हो गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि दोस्तों डिजोल्व पानी में ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज सनलाइट के बाद ऑक्सीजन का रोल आता है। ऑक्सीजन पानी में बहुत जरूरी है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड एंड वाटर आर डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन कैसे डिजोल्व होगा पानी में, एक तो है कि उस इंटरफेस पर डिजोल्व होगा, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा डिजोल्व होगा। ये हम लोग ने कल पढ़ा था। तो जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, पानी ट्रांसपेरेंट होगा, वहां पे एक्वाटिक इकोसिस्टम बेहतर होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या था दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट पानी है तो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट विल बी बेटर, मोर एंड मोर प्लांट्स कैन टेक सनलाइट फ्रॉम द वॉटर। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, टेम्परेचर अगर फेवरेबल है, टेम्परेचर अगर फेवरेबल है तो फिर क्या होगा, एक्वाटिक टेम्परेचर फेवरेबल तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो वहां पे ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन या सर्वाइव, ठीक है। तो टेम्परेचर ना ही बहुत गर्मी होनी चाहिए, ना ही पोलर रीजन की ठंडी यू नो चिल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, सो इट हैज टू बी अ फेवरेबल वन। अगर पानी में दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी आ गई या टेम्परेचर अचानक से राइज हो गया, तो भी दैट इज गोइंग टू हैम्पर द एक्वाटिक इकोसिस्टम, बिकॉज जो मछलियां होते हैं या जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द वार्म वाटर। बहुत ज्यादा पानी अगर हीटेड अप हो जाता है, देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर, राइट। ये कुछ फैक्टर्स थे जो जो डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे कैसा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा, कैसे एनिमल्स वो पाए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक इकोलॉजी, लेक में कैसा दोस्तों इकोसिस्टम है, जो जो आपको जानने की जरूरत है इसके बारे में, ठीक है। तो टुडे विल स्टार्ट लेक इकोलॉजी। अब देखो कि ये लेक लेक जहां पे भी हम लोग लेक की बात करेंगे, तो एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो जोन पाया जाएगा जहां पे यू नो टेरेस लैंड है, बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले वहां पे पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है लिटोरल जोन, जहां पे इमर्ज प्लांट्स जो है जिनका रूट्स पानी के अंदर है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बाहर भी है, कुछ अंदर में है। जैसे जैसे वो डेप्थ इंक्रीज होता है, वैसे वैसे पेड़ पौधों का नेचर भी चेंज होता है ना। दे गेट देयर सनलाइट ओपन, पूरे बाहर में उनका शूट है, द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज आउटसाइड, सो दे गेट देयर सनलाइट। बाकी जो है वो
पेनिट्रेटेड सनलाइट से अपना काम चला लेते हैं ना, पानी, अगर आप पानी को एक ग्लास के ग्लास में डालो तो क्या है कि धूप तो अंदर जा ही रही है। पेड़ पौधे इतने एडवांस्ड हैं, इतने दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग द फूड फ्रॉम द सनलाइट विच हैज पेनिट्रेटेड इनसाइड द वॉटर, वहां से भी वो फूड बना सकते हैं। तो वो इमर्ज प्लांट्स हो गए जो पानी के अंदर है, फ्लोटिंग प्लांट्स है कुछ पेड़ जो है वो फ्लोट करते हैं, और सबमर्ज्ड है जो पूरा पूरी पानी के अंदर है। तो ये हो गया जो इमर्ज्ड है, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं और उनका रूट जो है वो बस थोड़ा सा पानी में है। फ्लोटिंग जो है जो जिसका रूट पूरा पानी में है और पूरा ऊपर का शूट जो है पूरा 100% पानी में फ्लोट कर रहा है। वाटर हाइसिंथ, लोटस, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। सबमर्ज प्लांट्स में फाइटोप्लैंक्टन्स है दोस्तों, जो पूरे पूरी तरीके से ये सारे पेड़ जो है पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, पूरा पानी में डूबे रहते हैं। सो दीज आर सबमर्ज प्लांट्स। तो ये हो गए कि लिटोरल जोन जहाँ पे पेड़ पौधे की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एज पर देयर प्रेजेंस। दूसरा है लैमिनेटिक जोन या ओपन वाटर। ये पूरा सिर्फ ओपन वाटर है, खुला पानी, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे धूप की भी पेनिट्रेशन बिल्कुल नील के बराबर है। हाँ, इस जोन में कोई धूप पेनिट्रेशन नहीं है, और क्योंकि मिट्टी भी नहीं है इधर, इसलिए यहाँ पे लेक में यहाँ पे आपको पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। मोस्टली जो है आपको इस जोन में जहाँ पे सॉइल थोड़ा सा रिच है इन न्यूट्रिएंट्स, देयर यू विल फाइंड द प्लांट्स। तो लेक इकोसिस्टम दोस्तों, आप जिस भी किसी शहर में रहते हो, आपको दिखता ही होगा कि आपके आसपास में गांव हो गया, शहर हो गया, कोई ना कोई लेक होगा, या कभी ना कभी तो घूमे ही होंगे उस लेक जोन में, राइट। तो एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, कोई भी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर जो है जनरली लार्ज इनफ इन एरिया एंड डेप्थ, बहुत बड़ा है एरिया में और उसका डेप्थ भी बहुत अच्छा खासा है दोस्तों। एक तो मतलब इट ऑक्यूपाइज अ बिग सरफेस एरिया ऑन अर्थ, ठीक है, उसका डेप्थ भी बहुत अच्छा है, तो दैट विल फॉर्म अ लेक। और स्टैंडिंग वाटर है दोस्तों, इट्स नॉट लाइक अ रिवर। स्टैंडिंग वाटर टर्म बहुत जरूरी है, पहला वर्ड तो क्या आप यूज कर लेना, स्टैंडिंग वाटर। लार्ज है, जनरली लार्ज, लार्ज इज द वर्ड। पानी स्टैगनेंट होना चाहिए, बहुत बड़ा वाटर होना चाहिए और डीप भी होना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर हो गए अगर आपके, तो वो लेक बन जाएगा। पानी में अगर मूवमेंट है, इट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन क्या हो जाएगा, वो रिवर हो जाएगा, है ना। और बहुत छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा। तो जब ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा कि पानी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है, लार्ज है और डीप भी है, डेप्थ भी है उसमें, देन इट इज अ लेक। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इज जनरली नोन एज अ लेक। तो ठीक है, इसके जो भी है कॉम्पोनेंट्स, उसके अलावा इसको हम लोग, ये तीन कॉम्पोनेंट्स अगर मिल गए तो आपको लेक हो जाएगा। अब देखो, एजिंग ऑफ लेक भी इम्पोर्टेंट है कि लेक की एजिंग हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कितना पुराना है लेक, क्या ऑर्गेनिजम्स वहां पे पाए जाएंगे, राइट। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। लाइक एनी ऑर्गेनिजम्स, लेक्स आर बॉर्न एज दे ओरिजिनेट बाय वेरियस जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक इवेंट्स एंड ग्रो विद द टाइम टू चेंज इन देयर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवेंचुअली डाई। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लेक हैं जो बहुत सालों से हैं वहां पे लेक, ओरिजिनली हम लोग देखे हैं, जब से है, जब से हम लोग हैं तब से देखे हैं कि वो लेक एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और वो ग्रो भी करते हैं समय के साथ, छोटा से बड़ा भी होता है, अपने एरिया को कवर अप भी करता है, जैसे छोटा था अभी, नाउ दिस हैज स्प्रेड ओवर दिस जोन, तो लेक कैन ग्रो, या बड़ा है अब वो जो रिस्ट्रिक्ट होके सिर्फ छोटा लेक हो गया, है ना, छोटा होके और छोटा हो गया, और उसके बाद फिर इवेंचुअली दे माइट डाई, और छोटा हो गया। तो टाइम्स के साथ, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, वो लेक जो है वो एग्जिस्ट करना भी बंद कर सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेक्स ग्रो, है ना, लेक्स ग्रो। तो दे रिसीव देयर वाटर, इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है दोस्तों, फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, एक तो सरफेस रन ऑफ बारिश से हो गया, राइट, आसपास में कोई रिवर है वो उसका फ्लडेड वाटर वो भी लेक में आ सकता है। सो एक तो यहाँ से ये, दैट इज द कॉमन सोर्स। दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर फ्लक्स, नीचे का जो दोस्तों ये जो लेक आप देख रहे हो, ये लेक, इसका जो ग्राउंड वाटर है, अंडर वाटर पानी, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर में जो पानी है ये भी जो है दैट दैट एड्स टू द लेक का पानी। अंडरग्राउंड जो पानी है ना, ये भी नेचुरली वो फ्लश अप होता है एंड जिसकी वजह से लेक में पानी भी मेंटेन होता है।
एंड अलॉन्ग विथ वेरियस केमिकल सब्सटेंस एंड मिनरल इरोडेड फ्रॉम द लैंड। तो दोस्तों लेक में आप देखो कि आसपास पूरा लैंड है ना, इट इज बीइंग सराउंडेड ऑल साइड्स बाय लैंड। जो लेक रहता है उसके चारों तरफ क्या रहता है, लैंड रहता है। तो लैंड का बारिश हुई या आंधी तूफान हुआ तो आसपास के सराउंडिंग एरियाज की जो न्यूट्रिएंट्स है दैट गेट्स एडेड इनटू द लेक। ओके, तो ये जो एडिशन होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, तो उससे क्या होगा दोस्तों, लेक बिकम रिच इन न्यूट्रिएंट्स है ना, बहुत न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड देन दी सॉइल, इरोडेड सॉइल वो भी इसमें ऐड हो जाता है, दैट विल सपोर्ट लॉट्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ओवर पीरियड स्पैनिंग मिलेनिया एजिंग ऑकर्स एज द लेक्स एक्यूमुलेट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड ग्रेजुअली गेट फिल्ड अप। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि भरते 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 वो लेक फिल्ड अप ही हो गया और डाई भी हो सकता है ना, उसकी कंटेंट जैसे एक आपका पास बाटली है उसमें समय के साथ अगर वो फिल होता गया देन क्या होता है, उसकी पानी की ही कैपेसिटी कम हो जाती है और वो लैंड में कवर अप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसका पानी जो है समय के साथ दोस्तों वो कम हो जाएगा एंड द लेक का जो शैलो जो गैप है वो मिट्टी से भरते भरते इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ लैंड, वेटलैंड फिर लैंड बन जाते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में आइए जानते हैं कि कौन सी बात है जो हमें जानने की जरूरत है, कौन कौन से लेक्स हैं। सो गाइस इन इंडिया द नेचुरल लेक्स कुछ ही है, काउंटफुल ऑफ लेक्स है, जैसे कि जो सारा कॉन्सेंट्रेटेड इन हिमालयन रीजन्स पे है, फ्लड प्लेन्स ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो रिवर्स है इंदस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है ऑल दीज लेक्स। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड पेनिनसुला इंडिया 10 of thousands ऑफ वाटर बॉडीज हैव कंस्ट्रक्टेड ओवर द मिलेनिया। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि देखो ये मिलेनिया जो टर्म है ना, इसका मतलब यहाँ पे देखो एजिंग है, मतलब जो एज हो रहा है लेक का उसको हम लोग मिलेनिया टर्म कहते हैं, स्पैनिंग मिलेनिया ओवर पीरियड स्पैनिंग मिलेनिया या एजिंग ऑकर्स एज द लेक। कोई भी लेक जो पुराना होता है समय के साथ उसको हम लोग मिलेनिया कहते हैं। ओके, सो इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन लाइक वेस्टर्न, ये जो जोन है एक तो हिमालयन रीजन हो गया नंबर वन, यहाँ पे नेचुरल लेक्स पाए जाते हैं, मानसरोवर लेक है ना जो सब बहुत फेमस लेक है, मानसरोवर लेक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक। तो वो क्या हिमालयन रीजन में, सेमी एरिड रीजन जो वेस्टर्न एंड पेनिनसुला इंडिया में दोस्तों, वहां पे क्योंकि बहुत ही रेगिस्तान का जोन है, पेनिनसुला इंडिया इज अ ड्राई प्लेस, वहां पे भी 10 of thousand वाटर बॉडीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर मिलेनिया ओवर एजिंग 10 thousands। तो बहुत सारे लेक्स जो है वो समय के साथ एजिंग के साथ कोई भी जोन जो है वो लेक बन भी जाता है और कोई भी लेक जो है वो लैंड में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो बहुत समय लगता है दोस्तों इस लेक को बनने में या इस लेक को डाई होने में। सो लाइक सुदर्शन इन गुजरात, देखो सुदर्शन लेक है इन गुजरात, गिरनार एरिया वेर परहैप्स द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। ह्यूमंस भी दोस्तों खुदाई के माध्यम से लेक को बनाते हैं, डेटिंग बैक 300 BC 300 BC में दोस्तों ये लेक जो है वो बना हुआ था सुदर्शन लेक। लेक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरेंट केमिस्ट्री, कहाँ पे कैसा केमिस्ट्री है उसके बेसिस पे भी लेक जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, वहाँ की सैलिनिटी कैसी है, नमकीन लेवल कैसा है उसके ऊपर से कर सकते हैं, फ्रेश वाटर है ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश में दोस्तों क्या है कि सॉल्टी भी और फ्रेश वाटर का मिश्रण रहता है तो हम लोग उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। सलाइन लेक, कुछ लेक जो है दोस्तों नमकीन होता है बाय ओरिजिन, ठीक है। तो ये सलाइन लेक, फ्रेश वाटर लेक एंड ब्रैकिश लेक, इस पे हम लोगों ने जैसे सबसे पहले पढ़ा कि ये तीन कैटेगरी में हम लोग किसी भी वाटर बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, तो लेक्स को भी हम लोग इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो फ्रेश लेक होगा, हेलो अमित लेक, सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड द लेक, ये आप या तो लेक या कोई भी वाटर बॉडी दोस्तों फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है एंड सलाइन भी हो सकता है, सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट अब हम लोग ने एक तो इसके फ्रेशनेस पे हम लोग ने डिवाइड कर दिया, अब देखो कि हम लोग इसके न्यूट्रिएंट कैपेसिटी की पानी में कितना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है तो उसके कंटेंट पे भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
कैटेगराइज्ड एट ऑलजियोट्रॉफिक, वेरी लो न्यूट्रिएंट। यहाँ पे दोस्तों लो न्यूट्रिएंट जो है बहुत कम है, ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स, ऑलिगोट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट बहुत कम है। मेसोट्रॉफिक में क्या है, मॉडरेट है, एम से मेसोट्रॉफिक और एम से मॉडरेट। एंड यू ट्रॉफिक जहाँ पे न्यूट्रिएंट लेवल जो है बहुत रिच है, इसलिए पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यस फेब्रुअरी आ गया ना, हाइट यस फॉर्म आ चुका है, 8 फेब्रुअरी से तो था शायद। पढ़ लीजिए भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, नमस्कार करते हुए फॉर्म को पूरे उम्मीद से भरिए, फॉर्म को प्रिंट आउट करके रख भी लीजिए, चिपका लीजिए वॉल में भी, सो दैट आपको ना एक मोटिवेशन मिले कि मुझे, मैंने ये फॉर्म भरा है, कमिटमेंट किया है अपने आप से कि मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, तो आपकी तैयारी भी उसी एंगल से होगी, वही जोश मेंटेन रहेगा। तो फॉर्म जो है ना आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, ये आपको यू नो पंप अप करके रखा गया कि यार मेहनत करो, फॉर्म भर चुके हो, अब तो सीधा एग्जाम में बैठना है, सो दैट यू कैन डू दिस। फॉर्म आप प्रिंट आउट करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, आपको रिकॉल करवाता रहेगा वो, 27 जून आने वाला है, 27 जून आने वाला है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी पापा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्म खुद ही बोलेगा। सो गाइस न्यूट्रिएंट लेवल पे भी लेक्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे कम है उसको ऑलिगोट्रॉफिक लेक बोलेंगे, जहाँ पे मीडियम है मेसोट्रॉफिक, और जहाँ पे बहुत ज्यादा है यूट्रॉफिक लेक। दोस्तों कोई भी लेक जो आप देखोगे कि पूरा ग्रीन कार्पेट चादर के जैसा पूरा कवर्ड है, वो यूट्रॉफिक लेक से कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस। ठीक है, तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया आर यूट्रॉफिक, मोस्ट ऑफ देम आर दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं या हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट भी उसमें थ्रो करते हैं, इसलिए यूट्रॉफिक या मेसोट्रॉफिक बहुत ही कॉमन है। हाँ? इसमें न्यूट्रिएंट लेवल क्या होता है, हाई होता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट डिराइव फ्रॉम द सराउंडिंग्स और ऑर्गेनिक वेस्ट एंटरिंग देम। कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग जो थ्रो करते हैं या वेस्ट उसमें डंप करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है, देखो दोस्तों नेचुरल जो सारे बॉडीज है, सॉइल हो गया या वाटर ये हो गया, ये बेचारे अपने न्यूट्रिएंट्स ना गंदे जो हम लोग डंप करते हैं वहीं से दे गेट देयर न्यूट्रिएंट सोर्सेस, राइट। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसको डंप करते हैं, तो वहां वो भी सड़के डिकम्पोजर्स उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इनकरेजेस मोर प्लांट्स ग्रो। ठीक है, तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट कैपेसिटी लेक्स को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर देंगे, क्या क्या है, ऑलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक मतलब याद रखना कि यूट्रोफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उस पर एक अलग चैप्टर ही है। तो ये हो गया आपका यूट्रोफिकेशन और ये हो गया ऑलिगोट्रॉफिक। ठीक है, पूरा साफ है, लेक इज कंप्लीटली क्लीन। तो अब देखो पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा आधी स्टोरी कि ऑलिगोट्रॉफिक लेक में क्या है, कि द लेक विल बी वेरी क्लीन। हाँ, बहुत बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा लेक, उसमें ग्रीन ग्रीन कुछ भी नहीं रहेगा ज्यादा, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर लेक। दूसरा क्या है, यूट्रॉफिक लेक, जहाँ पे पूरा आपको दिखेगा कि ऊपर में ना ग्रीनिश ग्रीनिश मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उग चुके हैं, ऑर्गेनिजम्स जो ऊपरी लेयर में रहते हैं वही पाए जाते हैं, अंदर में बिकॉज ऑक्सीजन कम जाता है, सनलाइट की पेनिट्रेशन कम जाती है, इसलिए अंदर के जो फिश वगैरह है वो मर जाते हैं। तो दोनों का ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो फिर द थिंग्स विल बी क्लियर। तो एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन, सबसे पहले जो एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन है वो क्या है, ऑलिगोट्रॉफिक में लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट लो है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट इज लो और यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिएंट इज हाई। जब आप ये दो फैक्ट्स जान लोगे तो बाकी सारे कंपैरिजंस आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट हाई है तो क्या होगा, एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन क्या होगा, इसमें कम होगा, है ना, इसमें लो है, और इसमें एक्वाटिक पानी के अंदर दोस्तों कोई भी प्रकार के पेड़ जो है वो ना के बराबर है, ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। क्या होता है, इसके ऊपर ना एक लेयर परत पड़ जाती है, ग्रीन कलर का परत पड़ जाता है, जस्ट एक शीट के ऐसे कवर कब पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी पेड़ पौधे हैं उनको धूप ही नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, या जो भी फिश हैं
जिनको धूप चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वहां पे जो पहले एग्जिस्ट करते थे वो एलिमिनेट हो जाते हैं या वो मर जाते हैं, दे सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर भी चलो कम है, यहाँ पे ना के बराबर हो जाता है। एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन यहाँ पे लो है ना, यहाँ पे लो है, यहाँ पे एवरीथिंग इज लो, यहाँ पे एलिमिनेट है बिकॉज ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। ये पानी है दोस्तों, और पानी के ऊपर ना एक ऐसा सा ग्रीन कलर का लेयर आप देखे होंगे हर जगह पे, तो ये ग्रीन कलर का जो लेयर है ये पूरे चीज को ना कवर कर देता है। और ये जो नीचे में जो पेड़ पौधे रहते हैं वो धूप की तलाश में बैठे रहते हैं, और इनको धूप नहीं मिलता है, और ये पूरा जो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देती है, जिसकी वजह से अंदर का जो पेड़ रहता है वो जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले, या जो अंदर में जो फिश था जो पहले ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट था, वो सब मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूट्रोफिकेशन। एक्वाटिक प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन दी हाइपोली ली मतलब बॉटम बॉटम लेयर, जो ऑक्सीजन है इन द बॉटम लेयर वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है बिकॉज पानी तो ट्रांसपेरेंट है, तो पेनिट्रेशन भी होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व भी होता है। यहाँ पे ऊपर में एक चादर की जैसे शीट कैसे पड़ा हुआ है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है इन द बॉटम लेवल बिल्कुल नीचे में एबसेंट है, इट इज एबसेंट। जितना नेगेटिव बात बोले ना दोस्तों, यहाँ पे सब लगा देना। डेप्थ क्या है, 10 to be डीपर। ये जो सारे लेक होते हैं ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स, वो काफी डीप होते हैं और ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में शैलो होते हैं। ओके, वाटर क्वालिटी फॉर डोमेस्टिक, एज आप फोटो से देख रहे हो कि पानी बहुत ही स्वच्छ है, साफ है, इसीलिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, वेरस आप यूट्रॉफिक लेक्स को नहीं यूज कर सकते हो। वाटर क्वालिटी, टोटल सॉल्ट और कंडक्टेंस यूजुअली लो और समटाइम्स हायर। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्ट जो है वो लो है, बहुत फ्रेश वाटर है ना, बिल्कुल साफ पानी, तो लो है, यहाँ पे हाई हो भी सकता है, कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे सॉल्टी कंटेंट ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज यहाँ पे मैनी दोस्तों, क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज का अगर हम लोग बात करें, तो क्योंकि ये शैलो है, आसपास में बहुत सारे ग्रीन जोन है, तो एम्फीबियंस भी एग्जिस्ट कर देंगे, राइट, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो भरे पड़े हैं ही। हाँ, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी ग्रो कर जाते हैं जो यू नो पूरा पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं है, मीडियम में है, तो वो भी ग्रो कर जाते हैं, जो अब बाहर से धूप ले लेते हैं ना, बड़े जो पेड़ हैं जो पानी में इनका रूट्स रहेगा, लेकिन ये पेड़ जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं, तो वो दे गेट लॉट सनलाइट फ्रॉम आउटसाइड। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि ये इतना साफ है, इतना साफ है, जैसे दोस्तों 5 स्टार होटल में बहुत अच्छा है सब, बहुत ज्यादा साफ सफाई है, लेकिन भीड़ नहीं होती है, और जो साधारण होटल रहता है वहां पे बहुत भीड़ रहती है, एकदम रूम खाली नहीं है, वैसा वाला जो होटल होता है वो यूट्रोफिक ले गंदा है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ रहता है। 5 स्टार होटल्स महंगा है, बहुत साफ है, लेकिन फिर भी यू नो वहां पे भीड़ नहीं रहती है ना, पर सब कुछ अच्छा है, साफ सफाई है, मेंटेन्ड है, सब चीज में हम लोग इसको गुड 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 बोलेंगे, लेकिन अगर भीड़ भड़ाके की बात करें तो भीड़ भड़ाका जो कहाँ है ना, जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे सब एकदम बाजार है, मार्केट है, वहीं पे है ना, जो लोकल चल रहा है दुकान वहां पे है, तो दिस इज अ 5 स्टार रेटेड होटल जहाँ पे भीड़ आपको कम दिखेगा, राइट, और ये एकदम रनिंग होटल है, रनिंग रनिंग प्लेस है या मार्केट बोल सकते हो, जहाँ पे आपको भीड़ भरा बहुत ज्यादा मिलेगा, साफ सफाई कम दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो अमीनापुर लेक इज द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। अमीनापुर में दोस्तों अमीनापुर आपके प्रीलिम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या है कि अमीनापुर लेक गेट्स द स्टेटस अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट। अमीनापुर लेक को दोस्तों जो तेलंगाना में, कौन सा स्टेट में, तेलंगाना में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में ये लोकेटेड है अमीनापुर लेक, एंड गेट्स द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द कंट्री अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। इट इज एन एंशियंट मैन मेड लेक दोस्तों, ये मैन मेड लेक है, नेचुरली ये नहीं क्रिएट हुआ है, ह्यूमन उसको मतलब गड्ढा करके भी किसी भी लेक को बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ मैन मेड लेक इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इज एरियाज ऑफ बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस। देखो जो भी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहां पे क्या हो, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं,
तो दैट्स अ गुड साइन. वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स एरियाज विच लाई आउटसाइड द प्रोटेक्टेड नेटवर्क, तो जो भी ये एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है वाइल्ड लाइफ यू नो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया जाता है हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड. बायोडायवर्सिटी हेरिटेज एंड मैनेज बाई अ लोकली कंस्टिट्यूटेड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी एंड गेटिंग फंड फ्रॉम इट्स प्रोटेक्शन. दोस्तों इसकी फंडिंग सेंटर और स्टेट से की जाती है सो दैट ये एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. फाइन. तो गाइज बहुत सारे बैचेस जो है वो अभी आ चुके हैं, आप देख सकते हो फेब्रवरी में यू कैन सी द बैचेस हैव कम जैन फेब में, तो आप चेक कर सकते हो सारे सब्सक्रिप्शंस डाल के. जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्लासेस के ऑप्शन मिल जाएंगे. राइट. ये तो पुराना रेट प्राइजेस हाइक होने वाले हैं दोस्तों, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड यू कैन चेक आउट फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप और या अनअकैडमी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अनुमिता 10. अनुमिता 10 अगर आप यूज करते हो तो आपको ये सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. कोई भी सब्सक्रिप्शन दोस्तों उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके सो डू चेक आउट द प्लान्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइज. बाकी का हम लोग जो कंटिन्यूएशन रहेगा दोस्तों कल करेंगे. लेक इकोसिस्टम हो गया है, बाकी का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम यूट्रोफिकेशन, बाकी वो सब हम लोग कल करेंगे. ठीक है. थैंक यू.